ये जो प्रिंसेस कट ब्लाउज होता है ना, इसका फ्रंट अगर सही बन गया तो हमारा ब्लाउज बिल्कुल सही बैठ जाएगा। तो प्रिंसेस कट और बोट नेक पर मैंने आज ब्लाउज का फ्रंट बनाना सिखाया है। और फ्रंट में मैंने क्या खासियत बताई है, ये चीज़ अंडरग्राउंड आएगी, इसको कितना खींचना पड़ता है, कितना तोड़ना पड़ता है, ये चीज़ें बताई है। ये सेंटर का डॉट क्यों देना चाहिए ये भी मैंने बताया हुआ है इस प्रिंसेस कट के फ्रंट में। और सबसे बड़ी विशेषता ये देखिए, यहाँ पर ये पट्टी लगाई है और इस तरफ देखिए पट्टी कहीं पर भी कोई तुरपाई नहीं है। तो इस पट्टी को लगाने का तरीका बताया है जिसमें तुरपाई की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और गला भी देखिए कितने फिनिशिंग से आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इस प्रकार से हम इसको जमा लेंगे। और यहाँ पर देखिए कैनवास को ऐसे कटिंग कर लेना है। ऊपर से भी मैंने कटिंग कर दिया है। और यहाँ से हमको 1 इंच और 1 पॉइंट की पट्टी चाहिए। ठीक है, तो 1 हेम्बर दूर से इसको कटिंग करना है। ये देखिए ये कंप्लीट पट्टी कट गई है। इसको ऐसे ही कटिंग कर लीजिए पहले, और फिर हमको इसको गले को पलटाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे पलटाएंगे। देखिए मैं कैसे जॉइंट मार रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर ये कपड़ा जॉइंट करना है। ये देखिए कपड़ा जॉइंट हो गया है। यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे। कपड़ा और कैनवास एक साथ बराबर से इसको हटाइए। अब यहाँ देखिए मोड़ने का हमारे पास कितना बच रहा है, उसको एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये लग गई सिलाई। अभी यहाँ ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, इसको मोड़ना है। तो ऐसे पलटाएंगे और पूरे कपड़े को इसी प्रकार से पलटाते जाएंगे। ऐसे ये तैयार हो गया है गला। ये जो गला है ना, इसको यहाँ रख दीजिए बराबर, ऐसे बराबर से। ध्यान रखिए बिल्कुल ऐसे बराबर से ऐसे रख लेना है। और इस पर लगाएंगे किनार वाली सिलाई। जैसे जैसे हमारा गला घूमेगा वैसे ही इस सिलाई को घुमाना है। देखिए इस प्रकार से बॉटनेक गले को चिपका लीजिए यहाँ पर। ये देखिए पूरा गला यहाँ पर चिपक गया है। अब कैसा लग रहा है, ये जैसे हमने पट्टी लगा ली है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल फिनिशिंग है। अभी अपने को क्या करना है, को यहाँ से ऐसे मिला लीजिए, ये देखिए ऐसे, और इसको लगाइए। कितना रखना है, आधा इंच में 1 पॉइंट कम, यानी 1.5 हेम्बर हमको ऐसे इसको लगाना है। यहाँ मैंने सिलाई लगा दी है पूरी। और ये कपड़े को ज़्यादा चौड़ा है तो थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि 1.5 हेम्बर हमारी दबाना ही पड़ेगा कपड़े को ऐसे। अभी यहाँ पर बारीक बारीक छटके लगा दीजिए। ऐसे रखना है कैनवास तरफ। ध्यान रखेंगे किधर है ये कैनवास, कैनवास और ये पट्टी दिख रही है ना। अब कैसा लगेगा कि हमारे गले में पट्टी लगी हुई है। और यहां लगाएंगे ऐसे। ध्यान रखिए ये कपड़ा सीधा रहना चाहिए, ऊपर वाला कपड़ा मोड़ना चाहिए, है ना, ऐसा है।
क्लियर। अब ये जो हमारा बॉटनेक गला है कितना फिनिशिंग से बाहर आ गया है। अब हम इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे, हम इसको ऐसे ही रखेंगे, है ना, ताकि हमारे ब्लाउज में बहुत फिनिशिंग आएगी। जैसे बुटीक वाले बनाते हैं ना ब्लाउज एकदम बढ़िया से, वैसे ही आप भी ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। अभी देखिए ये दोनों तरफ सिलाई लग गई है अपनी। अब हमको नीचे तरफ देखिए ऐसे लाएंगे, ऐसे कपड़े को बराबर से ऐसे मिलाते हुए। यहाँ पर मुझे कोई भी सर्ल नहीं चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग में चाहिए अपने को बॉटनेक ब्लाउज का फ्रंट। तो हम यहाँ पर नीचे सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए अभी मैंने दो बार सिलाई लगाई, एक यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, और ये जो कपड़ा है ना बीच का पूरा ऐसे उतार दिया है। अब यहाँ पर कोई भी सेल सेंटर पर तो आ ही नहीं सकता। इस प्रकार से फ्रंट को अपने को जोड़ना है पहले। अब देखेंगे साइड का कैसे जोड़ते हैं। ऐसे रखेंगे, ये जो भाग है इधर निकालेंगे, यहाँ देखेंगे इस तरफ कोई सल तो नहीं आ रहे, नहीं तो ये जो उरेब भाग रहता है ना यहाँ पर ये सब सल निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसको रख लिया है, और नहीं तो अगर हम कपड़ा खींच देंगे तो उरेब भाग में कपड़ा खिंचाव में आएगा ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखिए ऐसे, ठीक ये हो गया मेरा फ्रंट। और यहाँ पर भी देखिए ऐसे निकाल कर सिलाई मारना है ऐसे, तभी हमारे इस कपड़े में पूरी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ऐसे पलटाना है। जब भी अपन अस्तर के ब्लाउज का फ्रंट जोड़ेंगे, कोई भी चीज़ जोड़ेंगे, तो ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर लीजिए। ये पूरा कटिंग हो गया है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, ऐसे रखना है। ये देखिए डॉट कहाँ तक लगेगा हमारा, इस जगह तक। ठीक है ना, तो इतना ही देखिए, यहाँ पर एक उंगली रख के देख लेंगे ऐसे थोड़ा सा, और यहाँ पर भी लगाएंगे निशान। यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और इस भाग को ध्यान दीजिए ऐसे। अब इस पर नाखून लगाएंगे ऐसे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक हेम्बर रखना है ऐसे, तो ऐसे हल्का सा शेप उतारिए, यहाँ पर भी हल्का सा शेप ऐसे उतारना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पर से सिलाई। ऐसे ही उतारा हमने, यहाँ हाथ रखेंगे ऐसे। देखिए कभी भी कपड़े को ऐसे धका धका कर नहीं चलाना है सिलाई पर, नहीं तो आपके कपड़े पर रिंकल आते रहेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे खींचेंगे, और यहाँ ये यह सेंटर पर अपन जैसे आ गए, फिर यहाँ से अब शेप किधर देना है, इस तरफ ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट। ऐसे लगाएंगे इस पर ऐसे मार्क, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अभी कैसे लग रहा है यह पर, बिल्कुल प्रिंसेस कट हमारा एकदम परफेक्ट। अभी किसको परफेक्ट लग रहा है, जिसको यहाँ पर सल आते हैं ना इस जगह पर प्रिंसेस कट में, उन लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि इस डॉट का बहुत महत्व है। आपका गला एकदम फिटिंग बैठेगा, कई बार देखें ना गला ऐसा लूज पड़ जाता है, वो इसीलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पर डॉट हम नहीं देते हैं, और ये जो कपड़ा रहता है पूरा सीधा रहता है और चेस्ट ऐसे उठ जाता है, तो ये कपड़ा बीच का भी उठा रहता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर ये लगाएंगे ना डॉट, तो अभी देखिएगा चेस्ट का शेप कैसे बिल्कुल नीचे से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब लगाता हूँ साइड का। और दोस्तों देखिए आपको ये ध्यान देना है कि बिना कटोरी लगाए, बिना पैड लगाए
इस प्रिंसेस कट का शेप कैसे आता है। आपने देखा था ना, मात्र यहाँ पर 1.5 इंच आया था। कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो ये जो थंबनेल दिख रहा है इसको देख लीजिए, ये कटिंग का वीडियो है। यहाँ पर से भी आप कटिंग पर जा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप क्या करिए, हमारा जो पराग टेलर का लोगो रहता है ना उसको दबाइए, आपको ऊपर ऑप्शन आ जाएगा वीडियो प्लेलिस्ट सभी चीज़ का, तो वीडियो पर दबाइए और नीचे देखिए धीरे धीरे आकर इसका जो थंबनेल ये वाला दिख रहा है ना इसको देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है, ये भाग को ऐसे रखना है और ऐसे, ठीक है, इसको चलाएंगे सिलाई। अगर आपने कटिंग बराबर की है तो आपका ये भाग भी बराबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर कटिंग बराबर नहीं की है तो ये भी ऑटोमेटिक बराबर नहीं आएगा। तो कटिंग का वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है। यहाँ पर रखेंगे ऐसे। अभी देखिए एक भाग हमने ये इसके ऊपर रखा था ना, ठीक है ना, तो एक भाग जो अस्तर है अस्तर नीचे रखकर, और ये अस्तर है ना जो सिलाई वाला इसको इसके ऊपर रखना है, तब आपका अंडरग्राउंड प्रिंसेस कट बनेगा। अभी देखिए हमारे पास तो इंटरलॉक मशीन है, अगर किसी के पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो उसकी कितनी परेशानी है। तो उन लोगों के लिए मैं ये काम बताता हूँ, जो घर पे काम करते हैं ना वो ध्यान रखेंगे कि बिना इंटरलॉक के भी हम प्रिंसेस कट को अंडरग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर देखते हैं फॉप में क्या प्रॉब्लम आती है। अभी देखिए ऐसे ये रखा मैंने, इसका ये पॉप उठाया, ठीक है। जो भी देख रहे हैं ना वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, बहुत काम का वीडियो होने वाला है। तो यहाँ देखेंगे आप क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये बराबर से नहीं आ रहा है, इस जगह भी बराबर से नहीं आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या बराबर से नहीं आ रहा है, देखिए ऐसे रिंकल आ रहे हैं, यहाँ पर भी रिंकल आ रहे हैं, इधर भी रिंकल आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस पर रिंकल नहीं आए, इसको हटाना है वापस, इन चीज़ों को बाहर निकालना है ऐसे। तो इस पर पहला काम हमको करना है ऐसे सिलाई को खींचना है, ठीक है। और फिर दूसरा काम क्या करना है आपको, ये जो इधर है ना उरे वाला, इस सिलाई को भी ऐसे खींचना है, ये टूट गई, ठीक है, सिलाई पे आवाज़ आई ना, यहाँ पर से देखिए सिलाई टूट चुकी है, इधर भी है ना, तो ये सिलाई ऐसे खींच लेना है। अभी आपको क्या करना है, इस पर लगाना है डबल सिलाई, और कैसी लगाना है, खींच कर ऐसे, वहीं ऊपर की टूटी थी तो मैंने वहीं तक सिलाई को लगा लिया है। अब क्या करना है, ये जो बीच का भाग है ना, यहाँ पर एक दो और ये तीन, ये छटके लगाना अनिवार्य है अगर आपको प्रिंसेस कट का पॉप अच्छे से उठाना है और कस्टमर को फिनिशिंग में ब्लाउज अगर देना है तो। दूसरा ये जो राउंड घुमाना, यहाँ पर एक दो तीन, ये छटके लगाना जरूरी है। देखिए ऐसे खिंचाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या होगा, जैसे इकट्ठे हो रहे ना, जैसे इकट्ठे होंगे तो ये कोने एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी। अगर फिनिशिंग का ब्लाउज सिलना है तो ऐसा कर लेना, और नहीं सिलना है तो रहन देना। और अब मैं यहाँ से सिलाई लगा लूँगा ऊपर से। ये देखिए ऐसे बराबर से हाथ रखकर निकाल देंगे। अभी देखिए जैसे ये हल्का सा बाहर जा रहा है इसको ऐसे मिलाना है, अस्तर नहीं काटना है, देखिए मैंने सिर्फ कपड़ा कपड़ा काटा है ऊपर वाला। और ये रखा मैंने यहाँ पर चेस्ट, चेस्ट जैसे ही रखेंगे ऑटोमेटिक आपका ब्लाउज इतना बढ़िया आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों दूसरे तरफ का भी मैं आप जॉइन करके आपको बताता हूँ, देखिए कैसे, और फिर कमर पट्टी लगाकर आपको बताता हूँ। ये देखिए हो गया, यहाँ पर छटका ऐसे वाला,
ठीक है, सेंटर में इस प्रकार से तीन चार छटके लगा दीजिए। अब ये ब्लाउज जो होगा ना हमारा ऐसे निकल जाएगा बिल्कुल बराबर, ये देखिए ऐसे। और ये जो एक्स्ट्रा हल्का सा कपड़ा निकला है इसको छटिंग कर लेंगे ऐसे, ये देखिए। जैसे ही हमने इस प्रिंट सेट कट को पूरा जोड़ दिया यहाँ से ये बिल्कुल आ गया है सीधा, ठीक है। अभी इसको मैं पहले सिलाई लगाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारा ये काम हो जाता है सभी, तो इसको चारों तरफ से हमको जो जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकलना है उसको छाट लेना है और फिर लगाना है इस पर कमर पट्टी। कमर पट्टी लगाने से पहले आपको कभी भी इस प्रकार से ब्लाउज को बनाते हैं ना तो क्या ध्यान रखना पड़ता है, चलिए देखते हैं। इसकी कमर 28 है तो यहाँ देख लेते हैं अपन लोग, ऐसे 7 कहाँ आ रहा है, 7 यहाँ पर। ये कमर हम यहाँ से जोड़ेंगे तो बिल्कुल बराबर से, देखिए ये यहाँ रखेंगे ऐसे, ये रखा मैंने, ये देखिए ऐसे रख लेंगे और इसको भी रखेंगे। अब देखेंगे इनको पलटा करके कि दोनों बराबर है या नहीं। जब आपको कमर पट्टी बैग में लगाना है, अगर ये बड़े छोटे हैं तो इनको मिला लेना है फिर कमर पट्टी लगाना है। ध्यान रखिएगा जो जो बेसिक जानकारी देता हूँ ब्लाउज के अंदर आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखिए इस पर लगाएंगे कमर पट्टी। अभी देखिए यहाँ रखेंगे ऐसे, और अगर ये हमारा बिल्कुल बराबर है तो 1.5 हेम्बर दबाएंगे, जितना हम मार्जिन के लिए रखते हैं ना 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम उतना। यहाँ पर ऐसे एक चुन्नट मारेंगे और यहाँ पर भी एक चुन्नट आएगी इतनी बड़ी ऐसे, और इस तरफ देखिए बराबर से ऐसे घुमा दीजिए। देखिए अब हमको फिनिशिंग में बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे रखकर इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा फ्रंट तैयार हो जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अवश्य दबाना ऑल के ऑप्शन के साथ।